नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा। स्वागत है आप सभी का फिल्म विंडो में। हाजिर हूं आप सभी के लिए लाइव फीड से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। लेकिन उससे पहले अगर नहीं किया है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो तो जल्दी से कर लीजिए। अदिति पीयू के नाम से मौजूद हूं। तो भाई बिग बॉस के घर के अंदर इस वक्त उमर रियाज ने कह दी है एक बड़ी ही धमाकेदार चीज। जी हाँ, ये लोग बातें कर रहे थे कि किस तरह से बाहर मिलेंगे और किस किस को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, किसके साथ दोस्ती रखेंगे किसके साथ नहीं। जिसके बीच उमर रियाज ने कहा कि नेहा भसीन यार इस घर में सबसे ज्यादा हॉट थी, सबसे ज्यादा हॉट। अगर अब तक कोई इस घर में रही है तो वो नेहा भसीन ही थी। जिस तरीके से वो घर में घूमती थी ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था और मुझे उससे बात करना भी बहुत अच्छा लगता था। उसको जो बोलना होता था मुंह पर बोला और चीजें खत्म। मुझे मतलब मेरा ये था कि उससे तो मुझे दोस्ती रखनी ही रखनी है बाहर जाकर। और नेहा ने मुझे बोला भी था कि हम दोनों बाहर बहुत अच्छे दोस्त होंगे। और साथ ही में वहां पर तेजस्वी भी बैठी थी, तो उमर ने बोला कि इवन करण जो है वो नेहा से बाहर दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन क्या पता तेजस्वी को प्रॉब्लम हो। जिस पर तेजस्वी ने बोला कि नो, नेहा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं तुम्हारे साथ। तो मतलब जो है इन लोगों को नेहा बहुत ज्यादा पसंद है। जिस पर निशांत भट्ट बोलते नजर आए कि हाँ नेहा तो मतलब एकदम बॉम्ब और एकदम मतलब चिलैक्स, एकदम से वो बहुत ज्यादा अच्छी है और उसको अच्छा लगता है ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स लेना। क्योंकि उमर रियाज डर रहे थे कि भाई वो शादीशुदा है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कोई प्रॉब्लम हो जाए। जिस पर निशांत ने कहा कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाहर जाकर ये लोग नेहा भसीन के साथ मिलने वाले हैं। जी हाँ, और उमर रियाज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आपको क्या इस बारे में कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।